नाइट एंजल क्लब द्वारा सावन मास के मौके पर शंकर नगर स्थित साई वाटिका लॉन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय बड़ी मात्रा में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसके विषय में जानकारी दी नाइट एंजल क्लब की संचालिका और इस कार्यक्रम की आयोजिका सविता असावानी। दर्शकों, सावन का महीना चल रहा है और इसी बीच सभी ओर समृद्धि का माहौल है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है सविता असावा मैडम, जिनसे हम जानेंगे कि रंगीला सावन जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है साई वाटिका में, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था और क्या है उनकी प्रतिक्रिया। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और काफ़ी अभिनंदन, क्योंकि आज बाईपन भारी देवा का दौर चल रहा है और महिलाओं के सशक्तिकरण का दौर चल रहा है और इसी बीच आपने ये जो प्रोग्राम आयोजित किया है, इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू BCN के लिए। सर, अपन का कॉन्सेप्ट ये है कि लेडीज़ को प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपने देखा है कि काफ़ी लोगों की फैमिली डिस्टर्ब हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं लेडीज़ के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था। तो ये प्लेटफॉर्म के लिए अपन हर बार काम करते हैं, हर एक दो महीने में अपन लेडीज़ के लिए इवेंट्स लाते हैं और इस बार सावन का इवेंट ऐसा था कि सारे लोगों की ऐसी कंप्लेंट थी कि मैम सिर्फ लेडीज़ ही क्यों, हम लोग क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकते। तो अपन इस बार लेडीज़ के साथ जेंट्स का भी इन्वॉल्वेशन दिया है, स्टॉल बुकिंग किया हुआ है, कल्चरल प्रोग्राम रखे हैं, बच्चों से भी लेके संडे है तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी कुछ अपन ने इस इवेंट में एक्साइटिंग वाला रखा हुआ है और इसके पीछे की भावना एक ही है कि सबको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और अच्छा लेवल का प्लेटफॉर्म मिले ताकि नागपुर का भी नाम कहीं ना कहीं एक जगह अच्छी जगह जाए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के मौके पर विभिन्न वेशभूषाओं से सुसज्जित प्रतिभागियों ने वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर प्रतिभाएं पेश की। रंगीला सावन कार्यक्रम के अवसर पर नृत्य प्रतियोगिता के साथ साथ फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और सावन क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था, जहां विभिन्न स्कूल और संस्थाओं ने सहभाग लिया। नागपुर का परचम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और नागपुर का परचम बोले तो वैश्विक पटल पर काफ़ी बड़ा नाम कर रहा है और इसी बीच ऐसे जो कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, जहां महिला सशक्तिकरण से लेकर काफ़ी बड़े बड़े एम्स है, बड़े बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होगा। नमस्कार, मेरा नाम राम कुमारी कर्णाके हैं और मैं एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से यहाँ पर आई हूँ। सविता असावा जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो हमेशा बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। रंगीला सावन में हम देख रहे हैं बहुत सारी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं और बहुत अच्छा मॉप यहाँ नज़र आ रहा है। हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको जब भी समय मिलता है एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल, जो कि वर्धा रोड पर आता है, वहाँ पर ज़रूर आइए। स्कूल हमारा नर्सरी से लेकर 12th तक है, इट्स कम्प्लीटली CBSE स्कूल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, काइंडली विजिट अवर स्कूल। थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी मैं सविता मैम को, उन्होंने बहुत इतने अच्छे लेवल पर उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज की है, उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी मैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है एंड थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर सीमा छाजेड, मैं एक नेचुरोपैथिस्ट हूँ, मैंने कॉस्मेटोलॉजी किया है आयुर्वेदा में और मेरा लक्ष्मी नगर में क्लिनिक और आउटलेट है और ओरिजिन हर्बल्स के नाम से मेरे प्रोडक्ट्स जाने जाते हैं, जो टोटली केमिकल फ्री है और जिसमें कुछ भी केमिकल्स नहीं है, नेचुरल चीज़ों से सारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं और इस प्रोडक्ट्स का मेरा ISO सर्टिफिकेशन हो चुका है, ऑल ओवर इंडिया में है, पैन इंडिया पे है, ये सारे मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे इस इवेंट में मुझे मैम ने जो इन्वाइट किया है एज अ जज और एज अ जूरी और एज अ गेस्ट, मुझे मैम ने, सविता मैम ने इनवाइट किया है। ये प्रोग्राम एक बहुत प्यारा सा प्रोग्राम है जो जिसमें बच्चों को, लेडीज़ को, सारे लोगों को इसमें चांस मिल रहा है। इस खास मौके पर विभिन्न वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए थे, जहां अपने कला कौशल और मेहनत से सजाई हुई वस्तुएं सहभागी महिलाओं ने इन स्टॉल पर बिक्री हेतु रखी थी, जिसके माध्यम से इन महिलाओं ने अपने कौशल का परिचय दिया। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।